बेटी बचाओ सृष्टि सजाओ के तहत भारत में हर संस्था इस मुहिम के तहत समाज में अच्छे कार्य कर रही है, जिसको लेकर ऐसे ही अच्छे कार्य की पहल आज जिला गुरदासपुर के बटाला शहर में हमेशा चढ़ती कला यूथ हेल्प क्लब की ओर से की गई। इस कार्यक्रम में बेटियों की लोहड़ी मनाई गई, जिसमें नवजात बच्चियों को शगुन व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान श्री प्रांजल जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर लाइट ऑफ नेशन न्यूज चैनल व बेटियां फाउंडेशन, श्री संजीव पुंज, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस संघर्ष जर्नलिस्ट एसोसिएशन, श्रीमती कमलजीत कौर रंधावा, जिला महिला प्रेसिडेंट अकाली दल, श्री अंकित अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब शिवसेना भारत, श्री विजय त्रेहन, प्रेसिडेंट बटाला लोक इंसाफ पार्टी, सरदार कृपाल सिंह पाल, पूर्व जनसकत सिख स्टूडेंट फेडरेशन मेहता विशेष तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य कई हस्तियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। लेकिन हाँ, साहब का सिर्फ नाम जानता हूँ, पूरे वाल मैम की और रिंकू की जो ये मेहनत है, मुझे ऐसा लगता है कि मजा तब आता है जब कुछ किया जाए। शब्दों में तो बातें दुनिया करती, तो इन दोनों ने कुछ करके दिखाया। उस हौसला अफजाई को मैं चाहूंगा कि आप सब लोग तालियों से उनका हौसला अफजाई करें। टांग में इस मौके पर अलग अलग दायरों से आए हुए पत्रकार व अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। पत्रकार बलजीत सिंह के साथ केवल कटोश, कैमरामैन हरभजन सिंह की खास रिपोर्ट, लाइट ऑफ नेशन न्यूज बटाला। मैं यही कहना चाहूंगी सारे समाज नूं कि एक धी है जो समाज की सिरजना करती है। जे असीं पुत्र की कामना करी जावांगे, पुत मंगी जावांगे, तो सानू पुत कित्थों मिलणगे। जे धी ही नहीं जम्मेगी तो पुत कित्थों आएगा। यही कहांगी, एक संदेश देंगी कि धियां का सत्कार करो, पुत्रां वांगू उन्हां नूं प्यार करो, तो उन्हां दा आदर मान, धी नूं पैदा होण दा अधिकार दिओ। ये मैं मैडम परेवाल साहब, रिंकू राजा दी बहुत बहुत धन्नवाद करती हाँ कि जिन्होंने ये इन्ना वड्डा एक स्टैप लिया आ। हमेशा धियां नूं समाज दे विच अंगौलिया किया जाता रहा आ। सो तो ये जी मैं अगे भी अपने लैक्चर दस्या सीगा कि ये सानू सब नू महसूस करना चाहिए आ कि धियां की लोहड़ी मनाउण की लोड़ क्यों पई आ। इहदी लोड़ इस करके पई आ कि समाज दे विच धियां नू अंगौलिया किया जा रहा, धियां नू कुखां विच मारिया जा रहा, धियां नू दाज की बलि चढ़ाया जा रहा। सो समाज दे जिहड़े साडे पतवंते ने उन्हां नू इस गल तो सुचेत किया जा रहा कि असी ये बच्चियां जिहड़ियां ने इन्हां नू भी लड़कियां दे बराबर जिहड़ा वा समझना चाहीदा, इन्हां दीआं विचावां रीझां जिहड़े आ लड़कियां दे बराबर करने चाहीदे। इस करके धीआं दी लोहड़ी मनाई जाणी हुण काफ़ी सालां तो शुरू होई आ और एक बहुत ही वधिया और उपराला आ जिहदे नाल आउण वाले समाज विच औरतां दा बेशक वो धी दे रूप विच आ, मां दे रूप विच आ, पत्नी दे रूप विच आ, उन्हां दा सत्कार विच।